सिंगरौली में मारा इलाके में हत्या की तीसरी वारदात से सनसनी फैली हुई है। हत्या को लेकर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरीग्राम के सरहे टोला निवासी गिरधारी सिंह गोंड की बीती रात धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी विकलांग व्यक्ति की और उसकी मां की हत्या कर दी गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस तीसरे अंधे कत्ले के बाद माड़ा पुलिस के ऊपर सवाल या निशान लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हत्यारों को पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। क्योंकि गांव जंगल से लगा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि इनकी किसी भी प्रकार से किसी से दुश्मनी नहीं है। रात में 3 बजे ये पंप चलाने के लिए उठे हैं, उसके बाद ये सुबह इनकी मृत लाश मिली है। इसलिए हम इस हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं, कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं जाएगा और अपराधी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। अरे भाई की पत्नी सुबह यहाँ आई, वो यहाँ से गुहार मारा था हमारे घर में कि बड़का बड़का उठी ने छुटका किया का तो हो गलवा, सब खून लाल हो गलवा। अब हम ये सब परिवार उठे ली, पूजा ले ली, यहाँ से देख ली कहाँ दिवाली पर जीत गई। यहाँ से हम कहीं बक्का बक्का सब हमारे बेहोश हो गई ली, फिर रोवा गई सब, फिर बहुत पब्लिक जुटल, पुलिस सब आई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।